कैसे हो? अच्छी हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं कृष्ण अभिराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 4 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हमने अभी अपनी पिछली कक्षा में जो हमारा पाठ था या जो हमने अध्ययन किया था वो किया था व्याकरण भाग का, है ना। तो हम लगातार तो व्याकरण भाग का भी अध्ययन नहीं कर सकते और लगातार ही अपने पाठ्य पुस्तक का भी अध्ययन नहीं कर सकते। तो हम बीच बीच में कभी व्याकरण भाग का और कभी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, रोचक तरीके से अपने पाठ को पढ़ने के लिए। तो जब हमने अपना पिछला अध्ययन व्याकरण भाग का किया था, आज हम करने जा रहे हैं फिर से अपनी पाठ्यपुस्तक का अध्ययन। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पाठ का नाम है खेल खेल में एक मुलाकात, ठीक है बच्चों। अब ध्यान लगाइए, सोचिए कि हमने अपना पिछला पाठ्य पुस्तक का कौन सा पाठ पढ़ा था। अपनी हिंदी की किताब का हमने कौन सा पाठ पढ़ा था पिछली बार? सभा सभा का खेल पढ़ा था ना, है ना, जिसमें गांधी जी, नेहरू जी थे, सरोजनी नायडू थी, एक पुलिस वाला भी था, सभा हो रही थी ना उसमें। आज हम उसी प्रकार करने जा रहे हैं, खेल खेल में एक मुलाकात। खेल खेल में हम एक मुलाकात किससे करेंगे? हमारे पाठ के जरिए अभी आपको पता चल जाएगा जब हम अपना पाठ पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले तो शब्द कोश को देखते हैं कि हमारे पाठ के अंदर कौन से कठिन शब्द हैं जो या जिनका अर्थ क्या है। देखिए अचूक, अचूक का अर्थ है जो कभी न चूके, एकदम सटीक लगे जाकर, ठीक है। खुशखबरी, अच्छा समाचार, अच्छी खबर, अनिवार्य जरूरी, अगर कोई काम अनिवार्य कर दिया जाए तो उसे जरूरी ही करना पड़ता है, उसे तो करना ही पड़ता है, उसे हम टाल नहीं सकते। वैकल्पिक, ऐच्छिक। वैकल्पिक में क्या होता है बच्चों? को अपनी इच्छा से करते हैं कि हमें ये कार्य करना है या नहीं। हमें दो कार्य दिए जाते हैं जिसमें कहा जाता है जो हमसे आपको अच्छा लगता है उस कार्य को करें। लेकिन अनिवार्य में ये होता है कि आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि कुछ नियम होते हैं कि नहीं आपको तो यही कार्य करना है, यह कार्य आपके लिए जरूरी है, आवश्यक। फ्लाइंग, फ्लाइंग का अर्थ है उड़ान, ठीक है, रैंक, स्तर। फ्लाइंग जब हम पाठ पढ़ेंगे ना तो पता चलना कि ये हमारे पाठ में क्यों आए। अब देखिए हम किस विषय में बात करना चाहते हैं, है ना। तो एक बच्चा है जो टीवी देख रहा है, नाम है उसका शाहिद। शाहिद के जरिए हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। टीवी देख रहे हैं, टीवी में आ रहा है और ये है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिन्होंने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। जैसे हम कई बार टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम सोफे पर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या खबर आ रही है, क्या समाचार आ रहा है, किस विषय में आ रहा है ना, किस चीज की न्यूज आ रही है ना? तो उसमें खेल से संबंधित न्यूज आ रही होती है टीवी में, तो शायद वो अपने सोफे पर बैठ कर देखता रहता है और एकदम से टीवी में से एक रिपोर्टर है जो पत्रकार को बोलती है और ये है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिन्होंने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है, और ये है साइना नेहवाल जिन्होंने विश्व स्तर पर बैडमिंटन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और ये है गगन नारंग जिनका निशाना कभी नहीं चूकता, अर्थात इनका निशाना अचूक है। तो बच्चों ये खिलाड़ी है जिनके विषय में टीवी पर चर्चा दिखाई जा रही थी, क्यों? क्योंकि इनके विषय में बताया जा रहा था। और इसमें क्या होता है कि टीवी वाले एक प्रतियोगिता रखते हैं पहले हमें बताकर, और फिर हमसे कोई एक प्रश्न या क्वेश्चन करते हैं कि आपको अब इसका उत्तर देना है, हमें अपने मोबाइल से मैसेज करके हमें उत्तर भेज दीजिए। तो जो शाहिद है वो ये देख रहा होता है, इतने में शाहिद की अम्मी आती है, वो कहती है शाहिद तुम क्या कर रहे हो, सारे दिन तुम टीवी
हमारे खेल कभी खत्म ही नहीं होते, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, कभी बास्केटबॉल, है ना, कभी दौड़ते हो। मम्मी ये कॉमनवेल्थ खेल है, कॉमनवेल्थ गेम ये कौन से खेल हो भला, ऐसा भी कोई खेल होता है? तो माँ बेटी में आपस में वार्तालाप चलता है, बातचीत चलती है। फिर जो शाहिद की मम्मी है वो पूछती है, कॉमनवेल्थ खेल है क्या, ये कब से शुरू हुआ और है क्या? तो शाहिद बताता है कि मम्मी ये कॉमनवेल्थ गेम या खेल अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ था 1930। देखिए शाम पट में बच्चों, 1930 में इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। जब ये शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। लेकिन बाद में अर्थात 1954 में इसका नाम हो गया ब्रिटिश एम्पायर और कॉमनवेल्थ। अर्थात कुछ लोग तो इसे ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जानते थे और कुछ लोग इसे कॉमनवेल्थ खेल के नाम से भी जानने लग गए। तो तब से ही जो ये खेल है चले आ रहे हैं। तो अब उसकी शाहिद की मम्मी क्या कहती है, शाहिद की मम्मी कहती है कि अच्छा ये वो ही ब्रिटिश एम्पायर खेल है जिसमें हमारे जमाने के राजेंद्र सिंह और कमल सिंह जीते थे। तो शाहिद कहता है हाँ मम्मी ये वही वाले खेल। तो मम्मी को भी पता चल गया, तो मम्मी पूछती बेटा तो अब टीवी में क्या आ रहा है? तो कह रहे मम्मी हमें खिलाड़ियों के विषय में बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक प्रतियोगिता होगी टीवी वालों की तरफ से जिसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके उत्तर आपको हमें मोबाइल से लिखकर मैसेज से भेजने हैं। फिर हम चुनिंदा बच्चों को जिनके जवाब सही हैं उनको किसी एक खिलाड़ी से मिलने का मौका देंगे। तो मम्मी कहती है ठीक है शायद तुम भेज देना। अब टीवी पर सवाल आता है, देखिए आज का प्रश्न कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है या फ्लाइंग सिख के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है। तभी शायद ने मोबाइल से कुछ लिखकर टीवी वालों को भेज दिया। जब प्रश्न आता है ना बच्चों तो नीचे उनके नंबर भी आते हैं कि आप आज का प्रश्न ये है और आप अपने प्रश्न के उत्तर हमें इस नंबर पर भेज दीजिए जो हमारे टीवी की स्क्रीन पर आ रहा है। तो शाहिद उसी नंबर पर अपना उत्तर भेज देता है। जैसे ही शाहिद भेजता है तभी फोन की घंटी बजती है, ट्रिन ट्रिन। तो शाहिद की मम्मी फोन उठाती है और कहती है हेलो कौन? तो सामने वाला जो फोन कर रहा होता है वो कहता है कि क्या मैं शाहिद से बात कर सकता हूँ? तो शाहिद की मम्मी शाहिद को आवाज लगाती है, कहती है शाहिद तुम्हारा फोन है। तो शाहिद फोन के पास जाता है, कहता है हेलो मैं शाहिद बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं शाहिद को कि आपने ये प्रतियोगिता जीती है और आपको हम किसी एक खिलाड़ी से मिलने का मौका देंगे जिसमें वो खिलाड़ी कौन है बच्चों? खिलाड़ी है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। कि हम आपको मिल्खा सिंह से मिलने का मौका देंगे, आपको जिस समय आना है और जिस पते पर आपको आना है वो हम आपको भेज देंगे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, शाहिद ने कह दिया। अब शाहिद वहां जाता है कॉमनवेल्थ के जो खेल है उनके ऑफिस में मुख्यालय पर और वहां पर वो तय निर्धारित समय पर पते पर पहुंचकर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से मिलता है। मिलकर और उनसे बातचीत करके शाहिद वापस अपने घर आ जाते हैं। अब शाहिद से उसके बाकी के जो मित्र हैं वो मिलने आते हैं कि चलो शाहिद से पूछें कि वो मिल्खा सिंह से मिलकर आया है तो उसने उनसे क्या बात की थी, वो देखने में कैसे थे, वो अपने खेल किस प्रकार खेलते हैं, है क्या क्या बातचीत हुई। तो उसके शाहिद के मित्र उसके घर पर आते हैं और शाहिद से पूछते हैं कि शाहिद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह दिखने में कैसे।
बातचीत की या वो अपने खेल किस प्रकार खेलते हैं, वो दौड़ किस प्रकार लगाते हैं। तो बच्चों ये जो बातें थी वो शाहिद के दोस्त शाहिद से पूछ रहे थे। आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे कि शाहिद के दोस्तों ने शाहिद से प्रश्न किए। अपने अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि शाहिद मिल्खा सिंह से किस प्रकार मिले और उन्होंने अपने दोस्तों को उनके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए, है ना, किस आधार पर दिए। ठीक है बच्चों, ये पढ़ेंगे। आपको क्या याद करना है, आपको ये पाठ पढ़ना है तो जहां तक मैंने पढ़ाया है, उसके बाद आपको ये शब्दकोश भी याद करने हैं, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ गेम है, खेल है, वो कब शुरू हुए, कब से प्रारंभ हुए और 1954 में उनका क्या नाम रख दिया। ठीक है, और टीवी पर जो ये खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे वो किस किस खेल से संबंधित है। देखिए, फ्लाइंग से मिल्खा सिंह दौड़ से संबंधित है, दौड़ में स्वर्ण पदक लाए थे। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, विश्व स्तरीय रैंकिंग रैंक पर इनका दूसरा स्थान है। गगन नारंग ये निशानेबाज है, निशानेबाजी में इन्होंने अपना अचूक निशाना लगाया। तो तीनों खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद करने हैं और जितना आज हमने पढ़ा उसका भी एक बार दोहराव करना है। बाकी का जो हमारे पाठ का भाग है वो हम अपनी कक्षा अपनी अगली कक्षा में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, घर पर रहिए।